Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 13 exercise 13.3, question number 2 for class 9. Chapter name is surface area and volumes. इस chapter में अलग अलग solid figure को लेकर के उनके total surface area, curved surface area या फिर volume हमें find करने के लिए दी गई है. इस exercise में कौन से related question की मैंने है ना, कौन में दो प्रकार की हाइट होती है. एक होती है जिसे हम ये वाली हाइट जिसे स्लेंट हाइट करते हैं, और एक जो परपेंडिकुलर होता है उसे हम हाइट यानी एच से इंडिकेट करते हैं और इस हाइट को एल से इंडिकेट करते हैं. अगर हमें स्लेंट हाइट ना गिवेन हो, है ना, सपोज दैट कि हमें स्लेंट हाइट ना गिवेन हो, हाइट गिवेन हो, एच वाली गिवेन हो, तब हम क्या करते हैं स्लेंट हाइट को फाइंड करने के लिए हमारा एल यानी स्लेंट हाइट को एल से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एल, और उससे फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर अब प्लस में आर स्क्वायर. उससे लेकर के स्लेंट हाइट फाइंड कर लेते हैं, फिर हमें जो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है तो वो निकाले फाइंड करेंगे, और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन. हमें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब है कि ये कर्व्ड वाले पार्ट भी प्लस में ये, और वो जो जो कोन होता है ना वो देखो, ये मैं कोन मतलब ऐसे पेज से बना रही हूँ, बट ये ऐसे तो निकला हुआ है, बट इनके जो ये वाली पार्ट होती है ना जो राउंड होता है, सॉरी ये वाली जो पार्ट होती है ना वो राउंड होता है यानी सर्कुलर शेप में होता है, और ये वाला कर्व सरफेस एरिया होता है. तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस में ये सर्कुलर पार्ट यानी पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, है ना. और उसको सोल्यूशन आफ्टर सोल्यूशन वी गेट हियर दैट पाई आर इंटू एच प्लस में आर. अभी मैं फाइंड करके भी दिखा देती हूँ. ओके, गिवन क्या है, स्लैंट हाइट हमें गिवन है विच इज 21 मीटर, और डायमीटर गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना होगा, रेडियस, क्योंकि कहीं भी सॉल्यूशन के लिए हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है विच इज 24 मीटर. तो ये हो जाएगा 20, हाँ आर इक्वल टू 24 अपॉन में 2 12 मीटर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, अभी मैंने क्या कहा कि ये पाई आर एल, पाई आर एल एंड प्लस में पाई आर स्क्वायर, कहने का मतलब है इसका जो सर्कुलर पार्ट है वो बस हमने क्या किया कर्व सरफेस एरिया में उसे ऐड कर लिया. और इसमें देखो आप ये पाई आर जो है वो दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या किया पाई आर को इस तरीका से ले लिया. आप ऐसे भी इस फॉर्म में भी सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएंगे. ओके, तो इसका मल्टीपल क्या बचा हमारे पास, एल, एंड इसका मल्टीपल यानी क्योंकि ये क्या हो गया आपका, ये हो गया पाई इंटू आर इंटू आर, यानी फिर ये दोनों तो ले लिया बट ये बच गए, तो ये हो गए. वही सॉल्यूशन करने के बाद हमारा आफ्टर जो फॉर्मूला होते हैं वो ये होते हैं. तो अगर फॉर्मूला लर्न ना हो तो आप आँख बंद करके सिर्फ कर्व सरफेस एरिया का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्या करोगे उसके सर्कुलर पार्ट का जो एरिया उसे ऐड कर दो सॉल्यूशन करने के बाद. मैं सॉल्व करके भी आपको बताती हूँ कि एटलीस्ट आंसर दोनों का सेम आएगा. ओके ओके, नाउ अभी मैं इससे कर दी यानी 22 अपॉन में 7. जब हमें कोई भी वैल्यू पाई की नहीं गिवन होती है तब हम क्या करते हैं 22 अपॉन में 7 लेते हैं, और अगर गिवन हो 3.14 तो हम उसी वैल्यू को लेते हैं आर विच इज 12, एंड मल्टीपल में सॉरी मल्टीपल ना दे करके सिर्फ हम क्या देंगे आपका ये इंटू यानी ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं. तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में मल्टीपल का एक रिलेशन है. ये आ गया एल 21 प्लस में 12, अब 22 अपॉन में 7 मल्टीपल 12, और मल्टीपल इन दोनों को प्लस करोगे सॉरी 33, तो 33 आएंगे, है ना. इन सब को मल्टीपल करोगे, ऊपर वाले जितने हैं है ना ये सारे क्या है न्यूमरेटर है 22 मल्टीपल 12 मल्टीपल 33, इनको जो मल्टीपल करोगे तो आ जाएगा 8782. ओके, एंड अपॉन में 7. ओके, अब डिवाइड करेंगे, आफ्टर डिवाइड वी गेट हियर 1244.57 मीटर स्क्वायर. अब मैं आपको इस फॉर्म में करके दिखाती हूँ, है ना. इसमें अगर सपोज दैट आपको ये फॉर्मूला याद ना रहे तो देखो ऐसे भी अगर कर लोगे तो सेम ही आंसर आएंगे पाई आर स्क्वायर.
which is 22 upon 7 multiple r which is 12 and l which is 21 plus 22 upon 7 multiple 12 multiple. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि अब यहाँ हमने कॉमन नहीं लिया, बट यहाँ तो लेंगे ना कॉमन, है ना, कि अब हमारे पास तो सब कुछ है, तो क्या क्या कॉमन है, तो ये दोनों पार्ट जो है हमारा कॉमन है. ओके, तो 22 7 एंड मल्टीपल में 12 प्लस में ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट, यानी 21, इसे ब्रैकेट कर देंगे. देखिए फिर से यहाँ तक जब हम आए तो यही पार्ट आ गया. आफ्टर सोल्यूशन वी गेट सेम आंसर. ओके, आई होप सोल्यूशन समझ में आ गया होगा. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें.